नमस्कार दोस्तों, YouTube News 24 के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज भारत और श्रीलंका के बीच में तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा कोलंबो के स्टेडियम में, और तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम में तीन बड़े बदलाव हो सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो कि आज के मैच में भारत की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है और इस मैच को कौन सी टीम जीतने वाली है, भारत या फिर श्रीलंका, तो वीडियो को एक दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, पहले वनडे मुकाबले को भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीतने के बाद इतिहास रचा, तो वहीं दूसरे वनडे मुकाबले को भारतीय टीम हारने वाली थी। उसके बाद दीपक चाहर ने 82 गेंदों का सामना करते हुए 69 रन की नाबाद पारी खेली, साथ ही 8 ओवर में 2 विकेट चटकाए, और इस मैच में मैन ऑफ द मैच मिला दीपक चाहर को, और इस मैच के हीरो रहे थे दीपक चाहर, और 3 विकेट से दूसरे वनडे मुकाबले को जीत लिया भारतीय टीम ने और वनडे सीरीज को जीतने के बाद इतिहास रचा। और दोस्तों, आज दोपहर के 3 बजे से भारत और श्रीलंका के बीच में तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा। वैसे तो भारतीय टीम वनडे सीरीज को जीत चुकी है, मगर भारतीय टीम सुपड़ा साफ करना चाहेगी श्रीलंका का। शिखर धवन की कप्तानी में तीसरा वनडे मुकाबला भारतीय टीम खेलेगी श्रीलंका के खिलाफ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की ओर से ओपनिंग कौन करने वाला है। दोस्तों, पृथ्वी शो को आराम दिया गया है क्योंकि सीरीज ऑलरेडी पहले ही भारत जीत चुका है। देवदत्त पाडिकल को यहाँ पे मौका मिलने वाला है, और देवदत्त पाडिकल के साथ शिखर धवन आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, 3 नंबर पे ईशान किशन को मौका मिल सकता है, 4 नंबर पे बड़ा बदला हुआ है और आज नीतीश राणा को मौका मिल सकता है, 5 नंबर पे सूर्य कुमार यादव आपको खेलते हुए नजर आएंगे, 6 नंबर पे हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे, 7 नंबर पे कुणाल पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे, 8 नंबर पे दीपक चाहर खेलते हुए आपको नजर आएंगे, 9 नंबर पे भुवनेश्वर कुमार, और 10 नंबर पे बड़ा बदला हुआ है, नवदीप सैनी आपको खेलते हुए नजर आएंगे 10 नंबर पे। उसके बाद दोस्तों, 11वें नंबर पे यजुवेंद्र चहल। तो आपको यहाँ पे 3 बड़े बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं आज की प्लेइंग 11 में। पहला बड़ा बदलाव है देवदत्त पाडिकल के रूप में, दूसरा बड़ा बदलाव है नीतीश राणा के रूप में, और तीसरा बदलाव है नवदीप सैनी के रूप में। तो आपको 3 बदलाव यहाँ पे देखने के लिए आज मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आज के इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतने वाली है, भारत या फिर श्रीलंका, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना था, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, देखते रहिए YouTube News 24।